नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, 15 अगस्त के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एजुकेशन बोर्ड CBSE ने किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिलकर पेपर लीक होने से रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया? गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर सैमसंग? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर CBSE ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कि जो पेपर अब की बार जैसे लीक हो गए थे तो उनको रोकने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और जुलाई में जो कंपार्टमेंट वगैरह के पेपर हुए थे तब इसकी डेमो ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटेन के योगो के द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक भारत का सबसे ज़्यादा पैट्रियोटिक देशभक्त यानी ब्रांड कौन सा है? टाटा मोटर्स, SBI, पतंजलि या फिर रिलायंस जियो? तो SBI जो है वो एक सर्वे के दौरान पता चला है कि SBI भारत का सबसे पैट्रियोटिक ब्रांड है, नंबर 1। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा टाटा मोटर्स है, तीसरे नंबर पर पतंजलि है, फिर जियो है, उसके बाद BSNL है। तो ये सभी ब्रांड पैट्रियोटिक ब्रांड है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रेल मंत्री द्वारा किए गए सफाई सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरखपुर, जोधपुर, नई दिल्ली या मुगल सराय? तो भाई जो जोधपुर है यो सबसे स्वच्छ जो रेलवे स्टेशन है वो पाया गया है। पीयूष जो रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल है उनके द्वारा एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक देश का सबसे स्वच्छ जो रेलवे स्टेशन है वो जोधपुर पाया गया है। और हर 6 महीने में सफाई सर्वेक्षण होता है। काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया जो है उसको इसके पास टेंडर लिया हुआ है इसके सर्वेक्षण का या सर्वे करने का जो भी है। भारत के किस शहर को हाल ही में जारी की गई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 की सूची में पहला स्थान मिला है? नई दिल्ली, गोवा, पुणे, चंडीगढ़? तो भी पुणे जो है इसको पहला स्थान मिला है। टोटल 111 शहरों का सर्वेक्षण हुआ था जिसमें पुणे को सबसे बेहतर पाया गया था और दूसरे नंबर पर मुंबई। 5 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने PNB की पूर्व प्रबंध निदेशक और किस बैंक की MD उषा अंत सुब्रमण्यम को नौकरी से बर्खास्त किया गया? कैनरा बैंक, यस बैंक, विजय बैंक या इलाहाबाद बैंक? तो वही वो कौन से बैंक की थी? इलाहाबाद बैंक की। और उसको इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि एक घोटाले में उसको दोषी पाया गया था। इसके बाद उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली गई थी। अगला क्वेश्चन है, UTI म्यूचुअल फंड के MD और CEO लियो पुरी ने कितने वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद अपना पद छोड़ा है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष? तो 5 वर्ष के बाद उसने अपना पद छोड़ा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने RPF भर्ती में महिलाओं को कितने फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की? 20%, 50%, 40%, 45%? तो 50% जो है आरक्षण देने की घोषणा की है। अब वे बिहार दौरे पर थे तो उन्होंने कई और परियोजना का भी शिलान्यास किया है इसके साथ। 8वां क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबेंग में होने वाले एशियन गेम्स में भारत में 34 खेलों में भागीदारी के लिए कितने एथलीट का ऐलान किया? 625, 314, 412 या फिर 572? तो 572 जो एथलीट के खिलाड़ी है 34 खेलों के उन्होंने भागीदारी का ऐलान किया है। लेकिन इसमें कुछ और भी जो गोल्ड मेडलिस्ट थे उनको नाम कहीं भी नहीं है, जैसे मेरी कॉम होगी इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9, कोटक वेल्थ मैनेजमेंट और हरून द्वारा जारी रिपोर्ट में किस देश की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया? किसे किया गया? नीता अंबानी, इंदिरा नुई, सुष्मिता कृष्णा गोदरेज या फिर स्मृति ईरानी? तो इसका राइट आंसर है सुष्मिता कृष्णा गोदरेज, ये सबसे अमीर महिला घोषित की गई है क्योंकि इसके पास इनके भाइयों की जो गोदरेज की जो फर्म है उसकी कुछ हिस्सेदारी इसके पास भी है।
ये 37,570 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिकिन है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व विख्यात मार्क्सवादी समीर अमीन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के अर्थशास्त्री थे? अमेरिका, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया। तो वो मिस्र देश के थे, मिस्र देश के थे। 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और उन्होंने पेरिस यूनिवर्सिटी से राजनीतिक अर्थशास्त्री की भी उपाधि मिली है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस स्पेस एजेंसी ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए पार्कर सोलर प्रोवे मिशन लॉन्च किया? इसरो, नासा, ईशा या इनमें से कोई नहीं। तो जो अमेरिका की जो वो है कंपनी, उसने, नासा है जो, उसने लॉन्च किया, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 12, एशिया देशों में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए गए जाने के बाद कौन सा देश एशियाई देशों को तेल की कीमत में भारी छूट देने की प्लानिंग कर रहा है? चीन, जापान, ईरान या फिर सऊदी अरब। तो ईरान, ईरान कर रहा भाई, क्योंकि आर्थिक हालात सुधारना चाहता है, इसलिए वो इसकी प्लानिंग कर रहा तेल में भारी छूट की। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा देश चीन के साथ परियोजनाओं को रद्द करने का फैसला ले सकता है? भारत, पाकिस्तान, मलेशिया या फिर जापान। तो भाई मलेशिया है, ये चीन के साथ परियोजनाओं का रद्द करने का फैसला ले सकता है, क्योंकि यह घोषणा इनके जो प्रधानमंत्री है मलेशिया के, महातिर मोहम्मद, उन्होंने यह फैसला लिया है। तो आज के यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, तो इनको बार बार पढ़े, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।